हाय व्यूवर्स, मैं निखत रियाज और आप देखना दी पॉलिसी टाइम्स। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि भारत की जो जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो अब एक पैदा नीचे फिसल गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ये रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारत का स्थान पांचवें पैदान से खिसक कर सातवें पोजीशन पर आ गया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो जिस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक ने 2018 के जो आंकड़े पेश किए हैं, ये काफ़ी देश की अर्थव्यवस्था के लिए झटका है। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो पाँचवें छठे स्थान पर हैं, और इसी सिलसिले में अमेरिका अभी भी फर्स्ट पोजीशन में अपनी इन्होंने पोजीशन बरकरार रखी है, और दूसरे पायदान पर चीन का स्थान है। और भारत का स्थान जिस तरीके से पांचवें से सातवें पायदान पर खिसक गया है, इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई संदेह भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी देश की जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो सपना दिखाया था, लेकिन अब जो देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात जो बन रहे हैं उसको देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जिस तरीके से 2017 में भारत की जो जीडीपी दर थी वो 2.65 ट्रिलियन डॉलर थी, अब वो खिसक कर 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो कि काफ़ी शर्मनाक भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को लेकर सपना दिखाया था वो अब साकार होता दिख नहीं रहा है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर अनुराग अग्निहोत्री, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से विश्व में भारत की जीडीपी गिरी है, पांचवें से सातवें पोजीशन पर आई है, आखिर वो कौन से वो फैक्टर्स हैं, वो कारक है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से हमारी देश की सरकार ने 2025 में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना दिखाया था, क्या वो साकार होता दिख रहा है? क्योंकि क्रिसिल ने जो हाल ही में रिपोर्ट जो किया, जो एस्टिमेट किया, वो ये कि फाइनेंशियल ईयर जो 2020 होगा वो 6.9 की दर से बढ़ रहा है, जबकि ये ज़रूरी है कि जो जीडीपी की दर हो वो 8 हो, लेकिन ये 6.9 ये एस्टिमेट किया गया है। तो क्या जो हमारी सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को लेकर सपना दिखाया था 5 ट्रिलियन डॉलर का, क्या ये साकार होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, सपना दिखाने वाली बात जहाँ तक है वो ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, अगर वो बड़ा नहीं सोचता तो बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना ज़रूरी होता है। तो अगर मोदी साहब ने ये कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2024, तो ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब आपके सवाल का जो मुख्य पक्ष ये है कि क्या हम वास्तव में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो पाएंगे, क्योंकि वेरी रिसेंटली आपने कहा कि कल की जो रिपोर्ट है आईएमएफ की, उसके अनुसार हम 5वें से 7वें स्थान पर आ गए। तो ये यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स की घटनाओं को देखें तो उनमें क्या हो रहा है, हमारा जो उत्पादन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन सभी में ग्रोथ की बजाय डीग्रोथ हो रही है, वो नीचे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, ऑटो सेक्टर अपनी वर्स्ट हिस्ट्री से गुजर रहा है। मारुति ही नहीं, बाकी ऐसी कोई भी ऑटो कंपनी नहीं है जिसकी इस क्वार्टर में या जुलाई महीने की जो सेल्स रिपोर्ट आई है पॉजिटिव हों, सबकी निगेटिव सेल्स रिपोर्ट हैं। इन कंपनियों ने लगभग 280 एजेंसियों को अपनी बंद कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बंद कर दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे सीधा सा कारण ये है कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमी के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसमें लिक्विडिटी की कमी है, उसमें डिमांड की कमी हो रही है, कंजम्पशन डिमांड नहीं है। तो सर, जिस तरीके से आपने ये जो कारण आपने जो बताया, तो इससे कौन से कारण सर, हमें पॉइंट वाइज बताइए कि किस तरीके से जो भारत की जीडीपी के लिए जो दर गिरी है उसके लिए जो फैक्टर है वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या देश में इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर स्किल्ड मैन पावर हो। दूसरी चीज़, स्किल्ड मैन पावर के केस में मोदी साहब ने स्किल डेवलपमेंट जो योजना उनकी स्कीम है NSDC के थ्रू उन्होंने चलाई, और उसके कुछ मिले जुले परिणाम मिल रहे हैं देश को।
दूसरी तरफ आता है कि देश में जो लॉ एंड ऑर्डर हो वो सही होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात पैसे यानी कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए और लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आज पिछले 2 सालों में बैंकों का NPA इतना बढ़ गया है कि उसके कारण उनके पास लिक्विडिटी ख़त्म हो गई। आज जितनी भी बैंकें हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका केवल एक ही काम रह गया है कि वो केवल और केवल पैसे को रिकवर करना चाहते हैं, जो दिया है वो रिकवर कर लो, तो नया लोन जा नहीं रहा है। ऐसे में क्या है कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, कंपनियां बनाएंगी कहाँ पैसा। और वेरी रिसेंटली जो एक और घटना है वो ये है कि टैक्स टेररिज्म बढ़ गया है। अब आप कहेंगे टैक्स टेररिज्म क्या है, ये मैंने क्वाइन किया हुआ वर्ड नहीं है, ये अरुण जेटली साहब का है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे उन्होंने कहा था कि टैक्स टेररिज्म। अभी जो टैक्स टेररिज्म है वो कितना बड़ा है देखिए आप, क्योंकि जो भी आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, असेसिंग ऑफिसर, वो आपको कहता है कि साहब अपना, क्यों उसको अपना टारगेट पूरा करना, तो आपको कहता है साहब इतने पैसे देने हैं आपको, टारगेट पूरा करना, आपने ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अब सरकार ने परमिशन दे दी है कि 10 साल पुराने खाते भी आपके एसेट्स के बड़े ट्रांजेक्शन खोल सकते हैं, यानी अगर मैं 10 साल भी हो गए मेरे किसी ट्रांजेक्शन को, आई एम नॉट श्योर वेदर आई नीड टू बॉदर अबाउट दर और एसएनसी कैन कम एंड इंक्वायर मी। जैसे कि देश की किसी भी देश की हो, अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए वहाँ का ज़रूरी कि इंडस्ट्री वहाँ की मजबूत हो, बिजनेस वहाँ की मजबूत हो, लेकिन हम देखें भारत की जो बिजनेस है, अगर कोई स्टार्टअप अगर कोई शुरू करता है वो 5 से 10 साल के अंदर जो आज के दौर में वो बंद हो जा रहा है, तो बिजनेस की जो हालात उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ज़्यादातर कारोबारियों की तरफ से इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये प्रेशर दिया जा रहा है, टैक्स को लेकर के प्रेशर दिया जा रहा है, तो भारत की जो बिजनेस और इंडस्ट्री के जो हालात हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जरूर ऊपर गया है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली मोदी सरकार के आने के बाद से, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है उस रिगार्ड में। और हिंदुस्तान में अभी भी कोई नया बिजनेस शुरू करने में कम से कम 27 दिन लगते हैं, जबकि OECD की रिपोर्ट कहती है 12 दिन में लगने चाहिए, तो 27 दिन लगना और 12 दिन लगना बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, अगर आपको कोई रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है तो आपका टाइम की कोई पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर एक एंजल टैक्स नाम की बीमारी लगा दी गई है। अभी जो एंजल टैक्स है वो एक ऐसा एक्सटॉर्शन टूल बन गया उनके लिए कि जो आज की तारीख में बिजनेस नया करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक तरीके से ये बहुत लंबा प्रोसीजर भी बहुत बन गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल, देखिए कोई बिजनेसमैन टैक्स देने से नहीं घबराता, वो उसके पीछे जो कागजी काम होता है मेंटेनेंस का, डाटा का, वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सारे के सारे बिजनेसमैन अगर आप सोचें कि वो CA हैं या MBA हैं और दे विल बी नोइंग एवरीथिंग, नो दे आर नॉट, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑन देयर मैनेजर्स, समटाइम दे मेक कमिट सम मिस्टेक। सो वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिस्टेक एंड ए फ्रॉड फॉर एंड फेलियर ऑफ बिजनेस आल्सो। ये भी एक रिपोर्ट आई थी, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट की रिपोर्ट थी, 2018 में ये रिलीज हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि 2014 से अब तक 2019 तक 23,000 करोड़पति जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो देश छोड़ करके जा चुके हैं, यानी भारत की जो नागरिकता है वो छोड़ दिए हैं। 2015 में 4,000, 2016 में 6,000 और 2017 में 7,000 व्यापारी देश छोड़ करके देश छोड़कर जा चुके हैं और दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ले ली है, क्योंकि देश बिजनेस के संदर्भ में देखा जाए तो देश में वो अनुकूल माहौल व्यापारियों को नहीं मिल पाता, बिजनेसमैन को नहीं मिल पाता। अभी हाल ही में जो CCT के मालिक VG सिद्धार्थ जी ने अपनी मौत से पहले जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, एक तरीके से उनकी चिट्ठी जो है देश के जो मौजूदा व्यापार जगत को लेकर के जो हालात बन गए हैं, एक तरीके से उधर इशारा करती है कि हमारे देश में अभी तक एक अनुकूल माहौल नहीं बन पाया है। तो दूसरे देशों की अपेक्षा हमारा देश कहाँ पीछे रह गया है? इसकी जो आपका सवाल है कि लोग क्यों भागे, उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक होता परसेप्शन का है और एक एक्चुअल है। परसेप्शन 2014 में यह है कि साहब मोदी आया है तो कुछ ऐसा मेजर्स करेगा कि जहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो या ब्लैक मनी है उसको पकड़ लेगा। कुछ लोग तो हमारे देश की नागरिकता छोड़ के इसलिए चले गए कि उनके पास ब्लैक मनी या अदरवाइज मनी था, तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का भी है जो ये सोच के चले गए बाहर कि हमारे देश में
काम करने की जो स्वतंत्रता है या जो फ्रीडम है वो नहीं है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप ये मांग रहे हैं कि आप सामने वाले बिजनेसमैन से कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए कि आप करप्ट नहीं हैं। ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं हु लिव द इंडिया, दे आर एक्चुअली पर्सन्स हु आर पुटिंग द मनी इनटू द बिजनेस एंड हु आर द पर्सन हु आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आपने विजय सिद्धार्थ जी का एग्जाम्पल दिया। विजय सिद्धार्थ CCD या इंडियन कॉफ़ी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने वाले आदमी थे, सुसाइड किया। उनकी चिट्ठी के अंदर कुछ मूलभूत क्वेश्चंस उठाए गए सवाल, उनमें से एक सवाल ये भी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज उनको परेशान कर रहे थे। एक ये भी सवाल है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर उनको परेशान कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके सारे अकाउंट सब कुछ ठीक हैं, क्योंकि उनकी चिट्ठी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया जो गलत है, लेकिन बाकी पार्ट तो सरकार को टेक केयर करना पड़ेगा कि ऐसी समस्याएं क्यों आई कि बिजनेसमैन को इस तरह से डिसीजन लेना पड़ा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो क्या सरकार क्या इस चीज़ को वाकई स्वीकार करती है जो देश में कारोबारियों व्यापारियों के जो हालात बन रहे, क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन आया, GST आया, उसके बाद से व्यापार जगत को इससे काफ़ी झटका लगा, तो क्या सरकार इसे स्वीकार करती है, अपनी गलतियां स्वीकार करती है कि या वो किस तरीके से ले रही है सरकार? देखिए, डिमोनेटाइजेशन और GST सरकार की गलती नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े सुधार हैं। और आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कोई गलती थी सरकार की। इम्प्लीमेंटेशन में जो गलती थी वो कहीं ना कहीं सरकार मान चुकी है कि गलती थी, लेकिन सरकार ने ये आप आज की तारीख में हमारे पॉलिटिशियन से उम्मीद नहीं कर सकते कि पब्लिकली आके सॉरी कहेंगे। जी, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि क्या सरकार वाकई जो देश के जो असल मुद्दे हैं व्यापार जगत से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, असल मुद्दे, उस पर ध्यान दे रही है सरकार? सरकार दे रही है, ऐसा नहीं कि इस बजट में भी सरकार ने जो हाउसिंग लोन के ऊपर जो रिबेट बढ़ाई 3.5 लाख की, वो इसी तरफ था कि जो रियल इस्टेट में मंदी छाई हुई है वो आगे बढ़े और उस मंदी को से दूर पाया जाए और ये जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री ख़त्म हो और आगे बढ़े, पैसा आए। लेकिन आप देखिए, सवाल आज ये है कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो गवर्नमेंट के हाथ से कहीं ना कहीं निकलती हुई दिख रही है। देखिए, समझिए आप, ऑटो सेक्टर में अगर कारें नहीं बिक रही तो वहाँ जो डेली वेज लेबर है वो लेबर की छटनी हो जाएगी। फिर इन कंपनियों को सप्लाई करने वाली, टूल सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं, JVM ऑटो वगैरह, उनके यहाँ कम होगा तो वहाँ से लेबर निकलेगा। यानी अगर लेबर निकल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जब पैसा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं आएगी तो जो NBFC बजाज फाइनेंस जैसी जो कंपनियाँ हैं जो कंज्यूमर लोन दे रही हैं वो रिफंड नहीं होगा, और वो रिफंड नहीं होगा तो ये NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक तो इंडस्ट्री NPA हो रही थी, अब इंडिविजुअल NPA होंगे, पहला। इसके आगे से आप आइए, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए रियल इस्टेट जिम्मेदार है, वहाँ मंदी छाई हुई है। आपका लॉजिस्टिक का डाटा है, उस पर प्रॉब्लम है आपके। तो ये सारे के सारे पैरामीटर एक दूसरे के ऊपर कंबाइंड हैं, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम इकोनॉमी नहीं ग्रो कर सकते। सरकार की तरफ से कोई पहल है? प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने बातें कर ही लिया, सरकार की तरफ से ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या पहल कर रही है सरकार? देखिए, सरकार ने ये जो FPI पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा जो बजट में प्रपोज्ड हुआ, उसको लेके आज की एक घटना है जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर को PMO में बुलाया गया, और शायद इस बात की खबर है कि डिस्कशन हुआ है कि ये जो टैक्स है इसको वापस ले लिया जाए, तो उससे मार्केट में, शेयर मार्केट में एटलीस्ट रिकवरी आई है। बाकी हमें देखना पड़ेगा कि आगे सरकार और कितना काम करना चाहती है इस विषय पे, अभी ऐसा कोई कंक्रीट कदम सरकार की तरफ से नहीं आया। तो मेरा ये आखिरी सवाल है सर आपसे कि जैसे मैंने देश में व्यापार जगत को लेकर जो माहौल की बात करी कि अनुकूल नहीं है, तो आपके हिसाब से अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको बिजनेसमैन को बिजनेसमैन समझना होगा। बिजनेसमैन से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको गलती की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
क्योंकि बिजनेस में आप डिसीजन लेते हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, आई इन्वेस्टेड हैवली ऑन दैट 200 to 5000 crore rupees, आई इन्वेस्टेड इन मशीन एंड अदर थिंग्स, आई रोल आउट द प्रोडक्ट, बट द पब्लिक हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट प्रोडक्ट, माई इंटायर इन्वेस्टमेंट विल बिकम द बैड नाउ, बट दैट डज नॉट मीन एंड कंपनी विल सफर द लॉसेज एंड आई विल नॉट बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट, इफ आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक I will not be able to pay back. But it does not mean that I am a thief or I am a corrupt person. So government has to distinguish between a crooks and the genuine businessman. That's the first thing. Now, you must collect a tax, but you should not behave like a bloodhounds. Tax authorities should always act as a watchdog, not as a bloodhound. Aap khoon chusne wali machine mat baniye na. कि ज़्यादा ज़्यादा निकाल लें। तो जैसे कि हमने अनुराग सर से जाना कि देश की जो जीडीपी दर है वो जैसे पांचवें स्थान से खिसक करके जो सातवें स्थान पर आ गई है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, इस पर हमने सर से चर्चा की। इसके साथ ही साथ हमने व्यापार जगत से जुड़े मुद्दों पर भी हमने बात की, जिसमें सर ने बहुत प्रमुख तथ्य इन्होंने रखे और एग्जाम्पल के साथ इन्होंने रखा। आगे मैं आपके सामने फिर से एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद सर।